तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ फ्रॉम यूपी सीतापुर। तो मैं आपको बेटा यहाँ पर आज कार्बन नैनेट्स कंपाउंड चैप्टर को डील कराने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि कार्बन को आप अपनी लाइफ से जोड़ करके देख सकते हैं कि कार्बन आपकी लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है। देखिए, ये मेरे पढ़ाने का एक अपना जो है नज़रिया है कि जब तक चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी से नहीं जोड़ते हैं तब तक हमें इंटरेस्ट नहीं आता उनको पढ़ने में या उनको समझने में। तो मैं अगर आपसे कहूँ बेटा, आप क्या कीजिए, मॉर्निंग में उठिए और एक लिस्ट बनाइए कि आप सुबह में कुछ 2-3 घंटे में के दरमियान में आप कितनी चीज़ों से सुबह में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो चीज़ें काहे की बनी हुई हैं, किस चीज़ की बनी हुई होती हैं। तो मैं अगर देखूं तो कुछ चीज़ें हमारी मेटल की बनी होती हैं, जैसे कि मैं बात करूं अलमीरा, इसी तरीके से मेटालिक ग्लास की बात करूं, या मैं इसी तरीके से मेटालिक चेयर की बात करूं, या मेटालिक टेबल की बात करूं, तो ये मेटल्स की बनी हुई हैं। इसके बाद अगर आप देखें, कुछ थिंग्स ऐसी हैं जो किसी और चीज़ से भी बनी हुई हैं जिसको आप बेसिकली समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि आपके क्लॉथ्स हैं, आपकी बुक्स हैं, आप जो सुबह में उठ करके अपना ब्रेकफास्ट करते हैं लाइक मिल्क है, और इसी तरीके से और आपके ब्रेड हैं, ये तमाम चीज़ें पता है किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, ये तमाम चीज़ें बनी हुई होती हैं कार्बन की। ओके, तो आप इस बात को सोच करके थोड़ा सा हैरत में होंगे कि अच्छा, ये चीज़ें कार्बन की बनी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पर इस बात को डील कराऊंगा कि कार्बन किस तरीके से आपका फ्रेंड बन सकता है, या आप जो मेडिसिन खा रहे होते हैं, मान लो बीमार पड़ गए, आपने मेडिसिन खाई, तो मेडिसिन भी बेटा कार्बन ही की बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कोशिश करूँगा, आपको कार्बन और आपकी दोस्ती कराने की कोशिश करूँगा। यानी कार्बन आपसे ये कह रहा है कि देखिए ज़रा इस कार्बन को, ये बहुत प्यारा सा कार्बन है, और ये कार्बन आपसे एक गुहार लगा रहा है या आपसे कह रहा है, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे। ओके, तो आप इसको क्या आंसर देंगे, ये आपसे कह रहा है कि क्या आप मेरे मित्र बनेंगे, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे। तो आप चाहे या ना चाहे आपको कहीं ना कहीं इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन बेटा, ज़िंदगी का एक हमारी जो है उसूल होता है कि हम जब किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से हमारा कुछ मिलना जुलना होता है, सबसे पहले हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि आखिर उसमें क्या खासियत है, इसका अपने समाज के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार है, या ये कैसा बिहेवियर शो करता है। ओके, तो हम सबसे पहले कार्बन जो चूँकि हमसे कह रहा है कि क्या आप मेरे मित्र बनेंगे, तो हम क्या समझें, कहेंगे देखो हाँ बन तो जाएंगे, बात ठीक है, लेकिन बनने से पहले हम आपके फीचर्स को ज़रूर समझेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर में कार्बन के फीचर्स को आपको एकदम एक्यूरेट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के तहत मैं आपके माइंड में बिल्कुल सेट करने वाला हूँ। लेक्चर को स्किप मत करना, और मैं आपको इस बात को प्रॉमिस दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, मेरे से अगर पढ़ लिया आपने इस चैप्टर को, तो जीवन में कभी इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जो आपसे ना बने, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, तो हम अब सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं कि देखो, जो टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में डील करने हैं, आप समझ तो गए हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस को, कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो आपने क्लॉथ्स पहन रखे हैं, या मैं खुद, या पूरी लाइफ बेस्ड ऑन कार्बन कंपाउंड्स, ये हमारी ज़िंदगी जो पूरी की पूरी है, यानी ये हमारी बॉडी, ये भी कार्बन एंड कंपाउंड्स की बनी हुई है। ओके, नहीं, लाइफ को सर्वाइव करने वाला एलिमेंट है कार्बन। तो मैं सबसे पहले क्या बताऊंगा कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, और हम किस तरीके से अपने फ्रेम को तैयार करेंगे, और कैसे हम स्टेप वाइज इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ इस पूरे चैप्टर को डील करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक्स को जो इस चैप्टर में डील करने हैं। बिल्कुल मत घबराना, मेरे साथ रहना, एक एक बात को ध्यान से सुनना, अपनी कॉपी और कलम लेकर के बैठो, तुरंत पॉइंट को नोट करना। ओके, एनसीईआरटी बुक को खोल के बैठो, ताकि आपको जहन में रहे कि सर आपको जो पढ़ा रहे हैं वो ओवरऑल एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक्स को यहाँ पर लिखेंगे। टॉप चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, टॉपिक्स को लिखूँगा यहाँ पर। टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन।
कार्बन का क्या इम्पोर्टेंस है, ओके। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कि इंट्रो में यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ शॉर्ट में, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, कार्बन का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। फिर मैं आपसे बात करूंगा कि अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन हमारी अर्थ के ऊपर कितना पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, ये बात है अकरेंस ऑफ कार्बन में। तो अकरेंस ऑफ कार्बन, ओके। उसके बाद मैं बात करूंगा अकरेंस ऑफ कार्बन, फिर मैं बात करूंगा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर आपके सिलेबस में तीन तरह के एलोट्रोप्स दिए हुए हैं, एक डायमंड दिया हुआ है, डायमंड, दूसरा दिया हुआ है ग्रेफाइट, ओके, ग्रेफाइट दिया हुआ है, तीसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फुलेरीन। हालांकि फुल फॉर्म, फुल नेम इसका होता है बकमिंस्टर फुलेरीन, लेकिन मैं फुलेरीन लिख रहा हूँ, कोई मसला नहीं इसके लिए। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप की बात करूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करूंगा मैं यहाँ पर, कोवेलेंट बॉन्डिंग। फिर मैं बात करूंगा बॉन्डिंग इन कार्बन एटम्स, ओके, कार्बन एटम्स की बॉन्डिंग की बात करूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे, बताऊंगा हाइड्रोकार्बन्स की बात करूंगा, ओके, हाइड्रोकार्बन्स की बात करूंगा। या आप ऐसा करें, यहाँ पर मैं वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करूंगा, फिर हाइड्रोकार्बन्स की बात सही रहेगी। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के वर्साटाइल नेचर की बात करूंगा। तो अगर मैं वर्साटाइल नेचर को निकालूं, तो वर्साटाइल नेचर जो होता है वो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है, स्पेशल प्रॉपर्टीज़। इसके पास दो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी और के पास बेसिकली नहीं है। सबसे पहली है कैटानेशन, दूसरी होती है इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी, उसका नाम है कार्बन कैन मेक बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स। कार्बन के अलावा भी डिफरेंट एलिमेंट्स से बॉन्ड बना सकता है ये, ओके। और दो इसके पास जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इसको वर्साटाइल बनाती हैं। वर्साटाइल का मतलब कार्बन हमारे चारों तरफ, प्लांट्स भी कार्बन के, हम भी कार्बन के, कपड़े भी कार्बन के, कुर्सी भी कार्बन की, और प्लास्टिक की जितनी भी थिंग्स हैं सारी की सारी कार्बन की। आखिर कार्बन ही इतना वर्साटाइल क्यों है, इसके पीछे की क्या वजह है? तो कैटानेशन, कार्बन अपने आप से एक बहुत लंबी चेन बनाता चला जाता है। कैटानेशन में क्या होता है कि कोई एलिमेंट अपने आप से बॉन्ड बना ले, द बॉन्ड मेकिंग टेंडेंसी टू एलिमेंट इट्सेल्फ, अपने आप से बॉन्ड बना रहा होता है अगर इसको, तो हम इसे कैटानेशन कहते हैं। कैटानेशन, कार्बन अपने आप से भी और डिफरेंट एलिमेंट से कैसे बनाएगा बॉन्ड। जनरल प्रॉपर्टीज में आपके पास दो प्रॉपर्टीज आएंगी, पहली प्रॉपर्टी का नाम होगा आइसोमेरिज्म, उसके बाद की प्रॉपर्टी का नाम जो होगा बेटा वो होगा पॉलीमेराइजेशन। नोट कीजिए फौरन, आप, मैं यहाँ पर थोड़ा सा किनारे हो रहा हूँ ताकि आप ध्यान से इसको नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आगे चल रहा हूँ, 1, 2, 3, ओके। चलिए मैं आपको और टॉपिक्स इसके बताऊँगा कि कितने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। बोर मत होना बेटा, ध्यान से चीज़ों को सुनना और जहन लगा करके चीज़ों को पढ़ो। डज नॉट मैटर कौन पढ़ा रहा है, ये देखो क्या पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्या पढ़ा रहा है, हमारी रिलेवेंट है कि नहीं है, जीवन में हमें इससे फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये देखिए आप। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूंगा हाइड्रोकार्बन्स की बात करूंगा। हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसे एलिमेंट जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फिर इन हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी बांटी जाएगी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होंगे, यानी कार्बन कार्बन के भी डबल हो सकते हैं, कार्बन कार्बन के भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, यहाँ कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसके अलावा मैं बात करूँगा स्ट्रेट चेन की, कार्बन चेन की बात करूँगा। कार्बन
चेन की बात करूंगा और मैं बात करूंगा ब्रांचिंग की कि कार्बन में ब्रांच कैसे बनती है। उसके बाद मैं बात करूंगा जी रिंग की कि कार्बन किस तरीके से रिंग बनाता है। ओके, तो ये चीज़ें मैं करूंगा, तो ये हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग डील कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा, हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे, फिर मैं बात करूंगा होमोलोगस सीरीज की बात करूंगा। ओके, होमोलोगस सीरीज क्या होती है इसकी बात करूंगा। होमोलोगस सीरीज से पहले मैं यहाँ पर आपको होमोलोगस सीरीज से पहले जो चीज़ है उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर जी। तो हाइड्रोकार्बन रिंग की बात करूंगा, रिंग के बाद मैं बात करूंगा आपसे कार्बन इज फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन एक बहुत ही मित्र एलिमेंट है, बहुत आसानी से दोस्ती करता है, ठीक है ना। तो जब ये दोस्ती किसके साथ करेगा, कार्बन जी फ्रेंड, व्हेन कार्बन बाइंड विद हेलोजन, जब ये हेलोजन से बाइंड करेगा तब क्या बनाएगा, हेलो एल्केन बनाएगा। उसके बाद जब कार्बन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तब क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा ज़रा, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब देखना है कार्बन किसके साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, यानी जब कार्बन बाइंड विद, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बन बाइंड विद किसके साथ, ऑक्सीजन से जब ये बाइंड करेगा तो यहाँ से जो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ से जो ये पिक्चर जाएगी वो चार दिशाओं में जाएगी पिक्चर। सबसे पहला क्या होगा, एल्कोहल ओएच, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा इसमें एल्डिहाइड सी एच ओ, तीसरा क्या रहेगा कीटोन, ये है कीटोन, और चौथा क्या रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोजाइलिक एसिड। यानी कार्बन जब ऑक्सीजन से दोस्ती करेगा तो आपको चार दिशाओं में लेके जाएगा, ये एल्कोहल में लेके जाएगा, एल्डिहाइड में लेके जाएगा, ऑक्सीजन देखो ना, कार्बन ऑक्सीजन से दोस्ती कर रहा कीटोन बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से दोस्ती कर रहा एल्डिहाइड बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो कार्बन के पास, हाइड्रोकार्बन के पास होते ही हैं, लेकिन जो ही ऑक्सीजन आता है तुरंत एल्कोहल बन जाता है। तो ये जब ऑक्सीजन से जो है दोस्ती करेगा कार्बन, तो ये चार दिशाओं में पिक्चर लेकर के जाएगा। तो यहाँ से हम इन सीक्वेंस को समझेंगे, उसके बाद होमोलोगस सीरीज को समझेंगे। उसके बाद फिर हम बात क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। फिर आप इतने नोट कर लीजिए पॉइंट्स को, उसके बाद मैं आगे के और पॉइंट्स बता रहा हूँ, कितने और आगे पॉइंट्स आएंगे भी। तो यहाँ पर देखिएगा, नोमेनक्लेचर हो गया, अब मैं बात करूँगा आगे के प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कम्बस्चन, यानी कार्बन कंपाउंड जब जलते हैं तो क्या करते हैं, यानी इनको हम किस तरीके से जलाते हैं और ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर मैं बात करूंगा इसके ऑक्सीडेशन की, ओके, फिर मैं बात करूंगा इसमें एडिशन रिएक्शन की बात करूंगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑयल को फैट में चेंज करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा इसमें जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूंगा। ओके, तो ये मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हो जाएंगे। फिर मैं कुछ कार्बन कंपाउंड जो इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं जी इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, तो इसमें सबसे पहला आएगा जी, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा एथाइल अल्कोहल, और ये अल्कोहल रिएक्शन करेगा रिएक्ट विद सोडियम, और उसके बाद ये रिएक्ट विद कॉन्सनट्रेट H2SO4, ये दो चीज़ों से रिएक्शन करेगा एथाइल अल्कोहल। उसके बाद ये आएगा इथेनोइक एसिड, इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ में आपको बताऊंगा,
तो यहाँ पर जगह नहीं, मैं इधर नोट किए दे रहा हूँ आपको, बताऊँगा इथेनोइक एसिड तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। सुनिएगा ध्यान से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन, ओके। सेकेंड इथेनोइक एसिड, यह हम कहेंगे इथेनोइक रिएक्ट विथ, कह लो यहाँ पर रिएक्ट विथ किसके साथ, रिएक्ट विद NaOH, NaOH से रिएक्शन करेगा। उसके बाद में बात करूं आपसे तो ये कहेगा रिएक्ट विद जी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपके पास रिएक्शंस आ जाएंगे। सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है सोप साबुन के बनाने की प्रोसेस, ठीक है। तो ये टोटल टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में डील करने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको टॉपिक समझ में आए होंगे, सब नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को और अपने इस लेक्चर को हम लोग थोड़ा सा स्पीड देने की कोशिश करते हैं। तो आप ये चीज़ नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं लगाइएगा हेडिंग जी इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, ओके। कार्बन का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी में देखो एक टेबल लिखी हुई है, उस टेबल में ये बात बताई गई है कि कितनी चीज़ें हमारे चारों तरफ मेटल की बनी हुई हैं, कितनी चीज़ें ग्लास की बनी हुई हैं, कितनी चीज़ें अदर थिंग्स की बनी, अदर थिंग्स बोले तो कार्बन की बनी हुई चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, कार्बन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम बात करेंगे मिल्क क्लॉथ्स, ओके, कमा पेपर कमा वुड कमा हुमेन, ऑल्सो मी एंड यू हुमेन, ओके, कमा मेडिसिंस, ठीक है ना, कमा प्लास्टिक्स, ओके, ETC आर मेड जी अप ऑफ कार्बन से बनी हुई होती है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन का क्या इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहले इसका सिंबल, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है बेटा, सी होता है, कैपिटल सी। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, एटॉमिक नंबर जो होता है इसका वो होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन की बात करूं तो के पहली शेल दूसरी एल, तो 2,4 आउटर मोस्ट सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन हो गया। उसके बाद मैं इसकी बात करूंगा क्या, अक्करेंस, तो हम क्या बात करेंगे अर्थ क्रस्ट कितना 0.02% इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट को CO3 2- में कार्बोनेट ही लिखे दे रहा हूँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट कोल यानी कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ क्रस्ट में जो मिलता है हमें कार्बन वो 0.02% मिलता है, और एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, फ्रॉम एटमॉस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होता है वो होता है 0.03% इन द फॉर्म ऑफ CO2, किसकी फॉर्म में, फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है ना, CO2 की फॉर्म में होता है एटमॉस्फेयर में, कितना 0.03%, ओके। तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं बात करते हैं इसमें आगे के टॉपिक्स की, ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो अकरेंस हो गया, उसके बाद मैं बात करूंगा इसके एलोट्रोप्स की, काहे की बात करूंगा, किस चीज़ की बात करूंगा, एलोट्रोप्स की बात करूंगा, ओके, ध्यान से देखिएगा एलोट्रोप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे एलोट्रोप्स की, तो एलोट्रोप्स क्या होगा, सबसे पहले डेफिनेशन क्या करेंगे, यानी कोई ऐसा एलिमेंट जो अलग अलग फॉर्म में पाया जाए और उनकी फॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो लेकिन फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग हो, तो हम लिखेंगे द फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट विच हैज
विच हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस, ओके अपीयरेंस क्या कह रहा है कि द फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट की वो फॉर्म जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग हो, आर कॉल्ड एलोट्रोप्स. ओके एग्जाम्पल में आपके पास क्या आएगा जी, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. तो इसमें क्या आता है सबसे पहले डायमंड, ओके क्या आएगा डायमंड आएगा सबसे पहला. दूसरा क्या आएगा ग्रेफाइट, मैं आपसे कहूँ हीरा और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपने देखा होगा आप पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल की जो निप होती है जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, तो वो देखो और फिर डायमंड को देखो. मैं कहूँ अगर ये केमिकली सेम है तो आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, तो बेटा कार्बन दो फॉर्म में आपकी चारों तरफ दिख रहा है आपको, क्या डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में, लेकिन केमिकली सेम है, फिजिकली इनकी अपीयरेंस अलग अलग होती है. तीसरा होता है बकमिंस्टर फुलेरीन. ओके तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप आगे इसके डिटेल पोर्शन को लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में. ओके हाँ तो डायमंड की बात करें अगर हम लोग, तो डायमंड ओके तो डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कार्बन जो होता है वो फोर डिफरेंट कार्बन के साथ इस तरीके से लिंक करता है, लिंकेज करता है. ओके तो आप देखते हैं कि ये जो लिंकेज आपको दिख रही है ना, ये इस ग्रेफाइट को क्या बना देती है, जायंट मॉलिक्यूल बना देती है. ओके जिसमें इस तरीके से थ्री डायरेक्शनल या 3D स्ट्रक्चर बन के तैयार होती है, ये कार्बन हमारा इस तरीके से इसमें जुड़ा हुआ होता है कि इसमें ग्रेफाइट में सॉरी डायमंड में. तो हम बात करेंगे डायमंड की, तो डायमंड की स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है. इसमें वन कार्बन एटम अपने नेबरिंग फोर कार्बन एटम्स के साथ क्या होता है, अटैच होता है. एक कार्बन एटम 1, 2, 3, 4 ये 1, 2, 3, 4 ये फोर कार्बन एटम्स के साथ क्या होता है, अटैच होता है. ठीक है तो ये डायमंड की स्ट्रक्चर होती है. तो हम क्या देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायंट मॉलिक्यूल. तो स्ट्रक्चर इसकी हो गई, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे. तो कार्बन जो होता है इसका सबसे पहले कलर, डायमंड जी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका जो कलर होता है तो कलरलेस होता है, कलरलेस होता है और शाइनी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस एंड शाइनी. ये सबसे पहली प्रॉपर्टी. उसके बाद फिर क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अर्थ. ये अर्थ का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अर्थ. उसके बाद हम बात करें अगर इसमें जी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है. ठीक है तो ये आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे. उसके बाद फिर क्या है, इसके यूजेस की बात करें हम, ये कहाँ कहाँ यूज होता है. तो सबसे पहले आई सर्जरी में, जो आँख की सर्जरी होती है ना, तो अगर हम ब्लेड से आँख की सर्जरी को करते हैं तो बहुत सारी एपिथेलियल लेयर्स को काट देते हैं ब्लेड. तो हम क्या करते हैं कि ऐसे इक्विपमेंट्स लेते हैं या ऐसे हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट्स को, जो कि उनका जो टिप होती है वो डायमंड की बनी होती है, ताकि आँख की बहुत ही पतली फाइन लेयर्स को ही काट पाए और बहुत सारी लेयर ना काटने पाए. तो आई सर्जरी में इस्तेमाल होती है, तो आई सर्जरी में. उसके बाद ज्वेलरी में इस्तेमाल होती है, ज्वेलरी में इस डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है. तीसरा जो होता है ड्रिलिंग करने में, ड्रिलिंग मीन्स क्या होता है कि जो पहाड़ होते हैं उनकी खुदाई करनी की जाती है, पहाड़ों की खुदाई की जाती है, तो
तेल, जैसे ऑयल कहीं पर पता चला अरब कंट्रीज़ में कि भाई यहाँ पर ऑयल है, तो वहाँ पर उन स्टोन्स में, पहाड़ों में हम क्या करते हैं, सुराख करते हैं, तो आर पर एक हम उसमें बोरिंग करते हैं, जैसे अपने वहाँ बोरिंग देखते हैं हम लोग, तो उसमें एक ड्रिलर होता है, वो लगातार उसमें सुराख करता चला जाता है अर्थ क्रस्ट में, ऐसे स्टोन में सुराख करने के लिए आगे डायमंड का लगा हुआ मटेरियल होता है, तो वो क्या करता है, बहुत ही हार्ड होता है ना, बहुत हार्ड होने की वजह से वो क्या करता है, उस स्टोन को चीरता हुआ चला जाता है, उसमें सुरंग कर देता है, तो ड्रिलिंग करने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको, वेरी गुड। तो 1, 2, 3, अब हम बात करेंगे किसकी, ग्रेफाइट की बात करेंगे। तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ डिफरेंट होती है, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी पर इसके एलोट्रोप्स को देख भी सकते हैं और इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर को समझ भी सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन जो होता है अपने नेबरिंग 3 कार्बन के साथ, 1 कार्बन अपने नेबरिंग 3 कार्बन के साथ, फिर ये अपने नेबरिंग 3 कार्बन के साथ, ओके, ये ऐसे करता है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। मैं अगर बात करूँ, ये इस तरीके से कार्बन स्ट्रक्चर बना रहा होता है जी, किसमें, ग्रेफाइट में, ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ग्रेफाइट स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करता है, इनमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग भी कहीं कहीं बना लेता है, ताकि कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो ये एक ऊपर लेयर हो गई। अब इसी के जस्ट नीचे भी एक लेयर होती है। तो मैं बात करूँ कि कार्बन की जो लेयर्स होती हैं वो इस तरीके से बटी हुई होती हैं ग्रेफाइट में, कार्बन लेयर्स की फॉर्म में। इसका नाम हेक्सागन होता है, ठीक है ना, ये हेक्सागन बना हुआ है, इसमें कार्बन जो एक दूसरे से अटैच है वो हेक्सागन की फॉर्म में अटैच होते हैं। तो यहाँ पर मैं डबल कर दूंगा, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर कार्बन की बनती चली जाती है, ओके। ये ऐसा मॉलिक्यूल ग्रेफाइट का दिखता है आपको, ठीक है। ये मैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या देखते हैं कि ऊपर की जो लेयर होती है वो नीचे के कार्बन एटम के साथ इस तरीके से क्या होती है, अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है, बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ी हुई होती है। इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों लेयर एक दूसरे पर स्लिप करती हैं, स्लिपरी होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों लेयर्स एक दूसरे से क्या होती है, अटैच्ड होती हैं, जिसकी वजह से दोनों लेयर एक दूसरे पर फ्रिक्शन करती हैं, स्लिप करती हैं। तो आप देखते हैं ग्रेफाइट को टच करते हो कितना चिकना होता है। तो अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहले ग्रे कलर होता है इसका, ग्रे इन कलर, कलर में कैसा होता है, ग्रे होता है। कंडक्टर जी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या होगा ये भाई, नेक्स्ट होगा ये सॉफ्ट, सॉफ्ट इन नेचर, ओके, नेचर में सॉफ्ट होता है। इसका यूजेस क्या होगा, यूज है इसका जी एज अ लुब्रिकेंट, एज अ लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन्स, हैवी मशीन्स, बड़ी मशीन्स में लुब्रिकेंट की तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, इसका दूसरा इस्तेमाल होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड की फॉर्म में। आप देखते हैं कि जो सेल होती है ना, तो सेल में जो ब्लैक कलर की आपको रॉड दिखती है ना, वो ग्रेफाइट की बनी होती है रॉड। जो सेल होता है, सेल में जो ब्लैक कलर की रॉड होती है, वो ग्रेफाइट की होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड की तरीके से काम कर सकता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरीके से। आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बकमिंस्टर फुलेरिन की बात करूँ मैं, ठीक है। 1, 2, 3, अब हम बात करेंगे बकमिंस्टर फुलेरिन की। तो बकमिंस्टर फुलेरिन क्या होता है, बकमिंस्टर फुलेरिन, इसको कार्बन 60 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन 60 की जो फोटो होती है, मैं आपको इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश करूंगा, आप बहुत ध्यान से देखिए, ये एनसीईआरटी की फोटो है। आप फिर अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने सामने खोलिए, देखिए बकमिंस्टर फुलेरिन क्या होता है, कि फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, ओके। 60 एटम्स ऑफ कार्बन पार्टिसिपेट इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में कितने
60 कार्बन एटम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँ अगर, तो ये जो है ना, ये जियोडेसिक डैम, जियोडेसिक जी डैम की तरीके से होती है, लाइक जियोडेसिक डैम, हाँ, which is made up by US architect Buckminster Fullerene। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये भैया US के आर्किटेक्ट थे, बकमिंस्टर फुलेरिन, इनके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो आप अभी, मैं यहाँ पर इस लेक्चर को रोकने की रोक रहा हूँ, और इसके बाद में जो दूसरा लेक्चर लेकर आऊँगा वहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि कार्बन किस तरीके की बॉन्डिंग शो करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कार्बन कैसी बॉन्डिंग करता है। तो मेरे अगले लेक्चर का आप इंतज़ार कीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना और ध्यान से देखना। मैं आपसे फिर से प्रॉमिस करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आपके PYQs भी कराऊँगा, आपके एग्जाम्पलर्स भी कराऊँगा, NCERT टेक्स्ट बुक भी कराऊँगा, जितने भी रिसोर्सेज यहाँ आपके सीखने के, मैं उनको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा बेटा। इसी तरीके से पढ़ने के लिए आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इसको शेयर करना, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो है लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को, और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।